गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार दिन भर चले तनाव के बाद हालात सुधरे। देर रात 1 बजे पुलिस बल फोर्स वापस लौटी। बिना किसी कार्रवाई के अपने वाहनों में वापस लौटे जवान, वज्र वाहन और एम्बुलेंस भी आंदोलन स्थल से लौटी। आरएएफ और पीएसी की टुकड़ियों की वापसी के बाद आंदोलनकारियों ने ली राहत की सांस। देर रात को अपने टेंट में लौटे किसान। सुरक्षा बलों की वापसी के बाद बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों को किया संबोधित। शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील। सभी लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। लोग गांव से चलेंगे, कुछ सुबह चलेंगे, कुछ रात को चलती है। आरएएफ और पीएसी की तैनाती को राकेश टिकैत ने बताया आंदोलन तोड़ने की साजिश। गुरुवार दोपहर 2 बजे तैनात हुई थी 10 कंपनियां। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन और तेज करने की तैयारी। भिवानी से रात को ही 50 ट्रैक्टरों पर दिल्ली रवाना हुए किसान। मेरठ, बागपत, मुरादनगर से भी गाजीपुर के लिए रवाना हुए किसान। सुबह तक हजारों आंदोलनकारियों के जमा होने की संभावना। टिकैत को मिला आरएलडी के अजीत सिंह का भी साथ। आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने का किया वादा। मुस्कान लौटी है चेहरे पर। साहब आ गया तो मुस्कान बदला जी। अजीत सिंह ने बातचीत की आप लोगों क्या आश्वासन दिया कि हम सब साथ हैं। किसान टिकैत के गृह जिले मुजफ्फरनगर में आज होगी महापंचायत। बड़े भाई नरेश का ऐलान। निर्णायक स्थिति में पहुंचाएंगे आंदोलन। किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील। पुलिस की कार्रवाई के अंदेशे में मुजफ्फरनगर में खलबली। देर रात टिकैत के घर के बाहर जमा हुए सैकड़ों किसान। धरनास्थल पर पानी सप्लाई के लिए टिकैत आप सांसद संजय सिंह से फोन पर की बात। केजरीवाल सरकार से मदद का मिला भरोसा। आंदोलन के समर्थन में आधी रात को किसानों ने लगाया जाम। टिकैत की गिरफ्तारी होने पर दी हालात बिगड़ने की चेतावनी। ये राकेश टिकैत के साथ कुछ भी कर सकती है, हमें इस बात का महसूस हुआ। तो अगर उसके कुछ भी हुआ तो ये पता नहीं, ये हरियाणा से सबसे बहादुर खाप है, ये किस मोड़ पर चली जाएगी, इस बात का हम कुछ नहीं अंदाजा लगा सकते। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर जमे किसानों को प्रशासन ने दिया था अल्टीमेटम। आंदोलन स्थल को फौरन खाली करने का निर्देश। फोर्स की तैनाती के बाद आंदोलन स्थल में मची अफरा तफरी। टिकैत की गिरफ्तारी की थी अटकलें। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद फफक फफक कर रो पड़े राकेश टिकैत। सरकार पर लगाए किसानों के साथ साजिश करने का आरोप। इस किसान को बर्बादी होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारे किसान को बर्बाद करने लगी। राकेश टिकैत के टेंट के बाहर प्रशासन ने चिपकाया नोटिस। किसानों को भड़काने के आरोप पर मांगा गया जवाब। 26 जनवरी की हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज। किसान नेताओं को पूछताछ के लिए भेजा नोटिस। राकेश टिकैत, दर्शन पाल, सतनाम पन्नू समेत 6 नेताओं को समन। आज क्राइम ब्रांच में पेश होने की हिदायत। 44 किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी। राकेश टिकैत, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव जैसे बड़े नेता शामिल। दिल्ली पुलिस की चिट्ठी में किया गया अलर्ट, अगर देश से भागने की कोशिश करें तो तुरंत हो गिरफ्तार। बीस जनवरी की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5वीं याचिका दाखिल। मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।